हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के महाकौथिक पे। सब लोग रेडी हो चुके हैं, निकल चुके हैं और मैं जस्ट आपको अपडेट कर रही थी। अब मैं बाहर जा रही हूँ और फिर आपको मिलती हूँ डायरेक्ट ऑटो में। फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के महाकौथिक में। अभी बस बाहर हैं, अंदर जाएंगे, पास में ही है। देखो मैं यहाँ से बता देती हूँ, इधर से रास्ता है और ये मम्मी और मासी है साथ में। सो वेलकम टू उत्तराखंड महाकौथिक गाइस। ये 21 से 25 तारीख तक है। आज 25 दिसंबर है और हम लोग भी 25 दिसंबर को आए हैं यहाँ पे। तो आज आई थिंक लास्ट है। लेट्स सी हमें क्या क्या स्पेशल देखने को मिलता है। वेलकम टू उत्तराखंड महाकौथिक। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी माता की भगवती सुंदरी रहते हैं। तो यहाँ पे नंदा जी की डोली है जहाँ पे सब लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। जाओ मम्मी। तो फ्रेंड्स, अभी ना मम्मी और मासी जा रहे हैं डोली देवी जी को प्रणाम करने के लिए। टीका लगा दीजिए हमें भी, इसको पकड़ के। जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहले हमने माता रानी को यहाँ पे किया प्रणाम और अब हम आगे कौथिक में बढ़ रहे हैं। इसकी स्पेशलिटी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है और हमारा जो उत्तराखंड का कल्चर है वो यहाँ पे आपको डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे क्राउड की बात करूँ तो यहाँ पे दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हुए हैं कौथिक देखने के लिए और काफ़ी लोग अब घर भी जा रहे हैं क्योंकि हम लोग 1 बजे आए हैं तो मेरे भी हम लेट हो गए हैं। बट यहाँ पे जो कौथिक का टाइम है वो है 10 बजे से और रात के 8 बजे तक। तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी है। हम लोग अभी जस्ट एंट्री किए हैं तो मे भी यहाँ पे लगता है ऐसा रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं होगा, ख़त्म नहीं हुआ होगा फंक्शन वगैरह। आगे चेयर्स वगैरह, अगर तुम लोगों को, अब सुनो, बैठना है तो आगे चेयर है, तो बैठने के लिए चलना है हाँ, या पहले घूमना है हाँ? चलो फिर। तो हम सब ने डिसाइड किया है कि पहले हम लोग घूमेंगे और उसके बाद हम आगे बैठेंगे ताकि हम स्टेज पे गाने वगैरह और जो भी फंक्शन वहाँ पे होगा वो देख सकें। और ये गुल्लू मुझे बहुत तंग कर रहा है। आप मम्मा के साथ क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं नहीं सही है, सबका टीका सही लगा यार, सब अपना टीका चेक कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे सबका सही लगा हुआ है। चलो फिर कहाँ से स्टार्ट करना है? आजो आजो, इस शॉप पे जहाँ पे स्वेटर्स वगैरह बिक रहे हैं। मौसी सामने मिल रहे कंडाली का साग, चावल, भटवाणी, झंगोरा की खीर। तो गाइस, इस तरफ सारे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे सारी गढ़वाली डिशेस मिल रही है और लोग खा भी रहे हैं। मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है देख के। बट अभी हम जस्ट लंच करके आए हैं और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग खाएंगे आके, पहले हम घूम रहे हैं। गाइज, मुझे तो पर्सनली जो गढ़वाली डिशेज है ना वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब गढ़वाल का जितना भी खाना है हमारे घर में बनता ही रहता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ हमारे घर में मोस्टली जो गांव की दालें हैं, सब्जियां हैं और फाणू, झंगोरा, ये सब बनता ही रहता है। तो मुझे तो बेसिकली बहुत ही पसंद है
गढ़वाली खाना, गढ़वाली फूड। और यहाँ पे तो आके मेरे मुंह में पानी आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ मैं क्या खाऊं। बट अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ आके, मतलब बिल्कुल वो जो गांव वाली वाइब है ना वो आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें ट्राई कर लो, बट ऑब्वियसली पेट में उतनी जगह भी होनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर ट्राई करूँगी, जैसे कि कनाली का साग हो गया, फाणू हो गया, और वो हम खाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अभी हम सिर्फ घूमेंगे, भटवाणी हो गया और चौसा भी मिल रहा है। लंच टाइम अभी हो रहा है, पर अभी तो हम लोग आए हैं ना खाना खा के, अभी पेट में भूख ही नहीं है इतनी। ये शाम तक रहेगा, ये खत्म नहीं होगा अभी, है ना? अगर अभी खाने तो अभी खा लेंगे। हाँ, शाम को 8 बजे तक रहेगा। ना ये पहाड़ी घराट करके कुछ लिखा हुआ है, इस स्थान पर खान पान का समाधान है, स्पेशलिस्ट भट्टू की दाल भाजे सुपाणू पहाड़ी रायता चंगोरू मीठा भात, मीठा भात भी मिल रहा है। रज्जू अगर तो ब्लॉग देख रही है तो मीठा भात मिल रहा है। आलू मूला का थीचू, आलू के गुटके, भांग की चटनी, कंडेली का साग, पलियो वो तो हम खाते ही रहते हैं, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, गोदे मुंगरे के आटे की रोटी आदि, तो यहाँ पे स्पेशली सारी ये चीजें मिल रही हैं। गाइस ये है तांबे का तौला जिसपे की राइस बना के रखे हैं, और ये भट्टू की दाल, भट्टू की दाल यहाँ पे बनती है, मंडवे की गर्मा गर्म रोटी। गुल्लू चलना मत, थोड़ा साइड हो आप। ये है कंडाली जिसमें कि बहुत सारे कांटे टाइप होते हैं, और इसका जो साग है ना ये बनता है, ये जैसे हरा साग बनता है ना वैसे ही इसकी कंडाली की काफली बनती है, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, और इसको जंगल से स्ट्रगल करके लाते हैं लोग। पर मैं तो मुंह में पानी आ रहा है सच में, चलो अब भी नहीं खा सकती ना, बाद में खाऊंगी। ऐसे यहाँ पे जितने भी गढ़वाली डिशेज है ना, जितने भी हमारे यहाँ के फेमस फूड्स है, वो यहाँ पे आपको खाने को मिलेंगे। तो इस साल तो आई थिंक इस साल का तो ये लास्ट दिन है कौथिक का, बट नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे ही होगा, यहाँ पे मोस्टली होता रहता है कौथिक। तो अगर आप लोग आना चाहो और गढ़वाली फूड ट्राई करना चाहो तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप आके कर सकते हो गढ़वाली फूड ट्राई, जिसको कि खा के आपके मुंह में पानी तो आएगा ही, और आप हर साल यहाँ पे आओगे कि इतना टेस्टी फूड उत्तराखंड का आप मिस नहीं करना चाहोगे ऑब्वियसली। लग गई है गाइस, अभी तो जस्ट आई हूँ, धूप इतनी है ना कि गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है स्वेटर भी कोई पहन के आई हूँ। भैया एक लेमन सोडा पियोगे मासी? हाँ मम्मी लेमन सोडा पीना मासी दी, देखो पीना है लेमन सोडा। भैया एक लेमन सोडा बना के दे दो। गुल्लू आप पियोगे लेमन सोडा? नहीं मुझे बना के दे। गुल्लू ने यहाँ पे लिया अपने लिए कॉर्न जो कि उसको बहुत पसंद है, और मम्मी और मासी तो पी नहीं रहे हैं लेमन सोडा, हाई कर रहे हैं सबको। पी लेना, गर्मी नहीं लग रही? मुझे तो गर्मी लग रही है। लो गुल्लू गिराना मत, ठीक है? आराम से पियो, खा लिया? चलो गाइस तुम्हें कुछ खाना है? स्ट्रॉबेरी लाऊं? भाई हट एक मिनट, लो टेक इट। इतनी पैक होके आई थी ना, मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होगी, लेकिन इतनी गर्मी लग रही है ना कि मेरा मन कर रहा है मैं स्वेटर में निकाल दूँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार। और फ्रेंड्स मुझे ना डांस करने का बहुत शौक है, तो मेरे को गढ़वाली गाने सुनाई दे रहे हैं, आई डोंट नो आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं तो जम करके डांस करने वाली हूँ मस्त करके गढ़वाली गानों पे। तो खाने पीने खत्म नहीं हो रहा है यार, चलो आगे बढ़ो। डाली डाली फूलों की,
को बुलाए गए मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादिया गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ओ पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, यहाँ पे आके ना मस्त वाइब आ रही है यार। मतलब सीरियसली जैसे कि हमारे पहाड़ों में जब शादियां वगैरह होती है ना तो उस टाइम पे हम लोग जैसे डांस करते हैं तो बस वही वाली फीलिंग आ रही है। डीजे भी लगा हुआ है यहाँ पे और आगे स्टेज भी है, तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। मैं बैठूंगी। बहुत अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है। हमने देखे यार रोटी और वो देखी रोटी काची काची और पड्डू की दाल और पौधे के मोमोज और मिठाई सूप इत्यादि सब देखे हमने यार। बहुत अच्छा लग रहा, मस्त लग रहा है ना आगे। पर तुमने डांस तो किया नहीं। बच्चों ने डांस भी किया, बच्चों ने घूमे फिरे, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा यहाँ पे? आप कहाँ से? पुरारी से। कैसा लगा? बहुत अच्छा, अपनी गढ़वाल की जिंदगी सारी। गाइस तो हम लोगों को यहाँ पे सीट मिल गई है फाइनली। वैसे तो बहुत दूर मिली है, आगे फुल हो गया। देखो खूब घूंघट निकाल के ब्लॉग कर रही हूँ अब क्योंकि बहुत ज्यादा धूप हो रही है यार। और यहाँ आगे ना पता नहीं लग रहा है कि मतलब सर्दी है, घर के अंदर ज्यादा ठंड लगती है। यहाँ पे बहुत बिल्कुल तरतरी धूप है। तरतरी मतलब कि कठोर धूप हिंदी में, तो ऐसी धूप हो रही है और मजा तो बहुत आ रहा है। बहुत लोग बैठे हुए मंच के द्वारा लेके आ रहे हैं महापौतिक के पांचवें दिन में। और अपनी तालियों के साथ देते हुए एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी अगली कंटेस्टेंट दीपिका राज के लिए जो आई है पिथौरागढ़ से। उनकी आवाज माशाल्लाह, मैं जितना उनके बारे में कहूँ उतना कम है। मैं बीना जी, बलराज नेगी जी, मेरे ठंड का पहाड़, मेरे आगे का पहाड़।
डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हम लोग ना बस घर के लिए निकल रहे हैं और इतनी भीड़ थी ना, इतना क्राउड था यहाँ पे कि बाहर निकलने में हमें इतनी परेशानी हुई। ऐसा लग रहा है कि पूरी दिल्ली की जनता यही आई हुई है आज। और अभी हम लोग बस थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं घर। फ्रेंड्स तो अभी तक ना प्रोग्राम चल रहा है अंदर, हमें तो बड़ा मजा आया, बहुत एंजॉय किया यार प्रोग्राम में। अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर्स आए हुए थे, मैंने तो नाचा भी डांस भी किया और खूब एंजॉय किया। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं मम्मी लोग, पता नहीं इनको कुछ माला वगैरह लेनी है तो शायद वही ले रहे हैं, एंड देन उसके बाद घर निकलते हैं। और उससे पहले हमें कुछ खाना भी है, पहाड़ की डिशेज हैं वो खानी है, अगर होगी अवेलेबल। अब तो लंच में तो था भड्डू की दाल और भात और कंडाली का साग भी था, तो मुझे तो वही खाना था, पर पता नहीं अब होगा या नहीं होगा, देखती हूँ, होपफुली हो जाए, होगा तो जरूर खाऊंगी। तो गाइस ये हमारी थाली, इसमें है खीर और पोले की रोटी, मौसी और मम्मी को पकड़ाया हुआ मैंने क्योंकि मैं जॉब बना रही हूँ। मम्मी को मैंने वीडियोग्राफर बना दिया, मम्मी चोर ग्रुप के लोग ना भागे पोले। वहां सुनाई नहीं दे रहा, माइक मेरे पास है। मुझे व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर देना चाहिए। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। बाय बाय।